हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का सॉल्वड क्वेश्चन पेपर। तो आईटीआई के वो सभी स्टूडेंट्स जो आईटी सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, ताकि आप लोगों के आईटी सीबीटी एग्ज़ाम्स की जो है अच्छी तैयारी हो सके और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि रेगुलर जो है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ट्रेड थ्योरी हो या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, सभी सब्जेक्ट के जो सॉल्वड क्वेश्चन पेपर्स हैं और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप लोग यदि फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एज सर्टिफाइड आईएसओ, कौन सा प्रमाणित आईएसओ मानक नहीं है, कौन सा प्रमाणित जो है मानक आईएसओ नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रमाणित जो मानक आईएसओ है वो 9001 से लेकर 9006 तक है। ठीक है, 6 तक। अब यहाँ पे देखो यार, आईएसओ 9010 लिखा हुआ है, ये ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोमोडोरो एक टेक्निक है, एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है, पोमोडोरो जो है वो किसके लिए। अब देखो यार, क्वेश्चन के साथ ही इसका आंसर था कि समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। समय के साथ मतलब समय को एक तरीके से प्रतिबंधित करती है, समय का जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करती है, उसी टेक्निक को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, चाइनीज टेक्निक है ये एक तरीके से। और जिस तरीके से अपने यहाँ पे, जैसे मान लो किसी काम को लेकर जो है हम टाइम पंक्चुअल रहें, बिल्कुल समय पर जो है किसी काम को कम्प्लीट कर रहे हैं, तो वो टेक्निक जो है वो पोमोडोरो टेक्निक कहलाती है, या फिर आप जनरली जो है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक भी जो है यहाँ पे इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन द टास्क फॉर लॉन्गर, लंबे समय तक जो है समय का प्रबंधन करते हुए आपके काम के ऊपर फोकस करना, केंद्रित करना, उसी को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है, उसे बोलते हैं वायरस। ये तो सभी को पता होगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो संक्रमित कर देता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हैंग हो जाता है, ठीक है, वायरस आ जाते हैं सिंपली, उसको बोलते हैं वायरस, संक्रमित करता है किसी भी प्रोग्राम को, कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सक्रिय आवाज में कौन सा है, सक्रिय आवाज, एक्टिव वॉइस से रिलेटेड ये पूछा था। मैंने आप लोगों को जो है पहले भी काफ़ी बार बताया कि जिसमें भी बाय आएगा ना वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, और इसने पूछा क्या है अपन से, एक्टिव वॉइस पूछा है। क्या पूछा है स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस, बाय जिस भी सेंटेंस में आएगा ना, जैसे इसमें बाय आ रहा है तो ये पैसिव वॉइस है, इसमें भी बाय आ रहा है तो क्या है, पैसिव वॉइस है। अब इसके बाद में देखो जो डी ऑप्शन है, उसमें भी बाय आ रहा है तो ये भी पैसिव वॉइस है, ये डायरेक्टली इसमें बाय नहीं है, राम हैज पास्ड द एग्जाम, राम ने एग्जाम पास कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस ए रीजनल नेशनल ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, हाँ, रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया को कन्वर्ट जो है एक तरीके से पूरा फैला रहता है, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीन जो है एरिया वाइज जो है ये डिवाइड रहते हैं नेटवर्क, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका तो जनरली उपयोग करते ही नहीं है। ठीक है, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो लोकल और बाहर भी विदेश तक जो है ये फैला रहता है, इसी को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट ऑल के लिए तो आप सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस ए जो है सेलेक्ट ऑल, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है,
तो कंट्रोल प्लस ए जो कंप्यूटर की है उसका हम जो है यूज यहाँ पे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफ अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? दोस्तों न्यूनतम प्रतिशत जो है वो 12% है। कितना है? 12%। ठीक है, इसको याद रख लो। ये आपका जो है उपभोक्ता से रिलेटेड या एम्प्लॉयड से रिलेटेड जो भी नियम है अधिनियम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली आंसर 12%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? निर्णय लेते समय जो है योर पर्सनल प्रायोरिटीज, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है। ठीक है, कोई सा भी डिसीजन लो, जैसे लाइफ में सपोजिट आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आप क्लासरूम में बैठे हो, तो वहां पे आप जो है आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है आपके करियर के ऊपर फोकस करना, आपकी स्टडी के ऊपर फोकस करना। बट आप लोग क्या कर रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर की बातों में ध्यान दे रहे हो, तो वो आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं और उधर आप ध्यान दे रहे हो। तो कोई भी डिसीजन लेना है आपको कि यार पढ़ना है, ठीक है, या फिर कहीं पे जाना है या नहीं जाना, दोस्तों के साथ दोस्तों ने कहा कि यार पार्टी में जाएंगे, ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है कि जाना है या फिर नहीं जाना, तो प्रायोरिटी कौन सी है? दोस्तों के साथ जाना जरूरी होगा या नहीं जाओगे तो उसके बदले में आप लोग कोई स्टडी करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे, वो ज़्यादा जरूरी है। तो कोई सा भी डिसीजन लो लाइफ के अंदर, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है, वो सोचकर जो है आपको कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआईडीओ का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सभी को पता होगा एसआईडीओ, एसआईडीओ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एसआईडीओ का विस्तार रूप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसको हम सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज 55% होती है। भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, 45% आपके बाकी शब्द वगैरह और वो चीजें काम में आएगी, शब्द और नॉलेज। 55% आपका बॉडी लैंग्वेज काम में आएगा। क्या काम में आएगा? बॉडी लैंग्वेज, आपका लहजा, कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये 55% काम में आएगा, समझ लो। नेक्स्ट देखो, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो याद रखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? देखो समझना, इज दियर, इज से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? उच्च उत्पादन, तो देखो यार प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है उसमें एम्प्लॉयर्स है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स है वर्क कर रहे हैं, और जो उसके ऑनर है वो क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, एम्प्लॉयर्स को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट क्या सोच के करते हैं वो, अच्छा उत्पादन हो तो ये तो सही है, बेहतर गुणवत्ता ये भी सही है, और कम किया हुआ कचरा, कचरा कम हो ये भी सही है, उत्पादन की उच्च लागत या लागत ज्यादा हो ये कोई नहीं चाहता, ये उद्देश्य नहीं होता। तो यही पूछा था इसने कि कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं होता, कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य, प्रोत्साहन का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होगा कि उत्पादन की उच्च लागत हो जाए, ये प्रोत्साहन का उद्देश्य थोड़ी होगा, लागत तो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉन एज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में जो एंटरप्राइजेस एंगेज रहती है मतलब व्यस्त रहती है या वो काम करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब वस्तुओं का उत्पादन। अब वस्तुओं का उत्पादन सिंपली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होगा, कहाँ पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज या इंडस्ट्री बोल दो या एंटरप्राइज बोल दो, ठीक है, तो विनिर्माण उद्यम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? देखो नौकरी खोजने के लिए सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा, नौकरी.com।
LinkedIn.com जो है ये भी क्या है, नौकरी सर्च करने की साइट है। Seruse.com जो है ये भी नौकरी सर्च करने की साइट है। Twitter.com जो है ये नौकरी सर्च करने की साइट बिल्कुल भी नहीं है। ट्विटर पे कौन सी नौकरी सर्च होती है भाई, ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। एंट्री लेवल मतलब जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है कोई बंदा, ठीक है। एंट्री लेवल, एंट्री मतलब जस्ट स्टार्ट कर रहा है, फ्रेशर बंदा है, उसका क्या मतलब, उसका यही है ना, इट इज ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की जॉब है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव मतलब एक तरीके से क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। आर यू गोइंग, तो यार यहाँ पे तो वेयर आर यू गोइंग आएगा ना, वेयर कहाँ जा रहे हो, तो वेयर वेयर, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर वेयर आर यू गोइंग, वेयर। विच ये बैठेगा ही नहीं, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा भाई, ये बैठेगा, ये वाला, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को, यार रसायनों के कारण जो भी खतरे होंगे ना, केमिकल हजार्ड्स बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़े जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, उसको तो यार सीसी में जोड़ते हैं, ठीक है, किस में जोड़ते हैं, सीसी में, ठीक है। एक ईमेल आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस सब किस में जोड़ा जाता है, सीसी में जोड़ा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैरिकुलम विटाई चल्सो ननेस, कैरिकुलम विटाई जो है ना सीवी, देखो कैरिकुलम विटाई को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीवी, बायोडेटा या रिज्यूम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर है। यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आंसर था, देखो समझना, वेब पेज को खोजना, वेब पेज को खोजना, वेब पेज को, किस कौन से पेज को, वेब के पेज को, मैं जोर दे रहा हूँ इस वर्ड पे, वेब पेज को खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर कौन सा है, वेब ब्राउजर है, कौन सा है दोस्तों, वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज अ डॉन्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, सूचना सुरक्षा में, सूचना सुरक्षा, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताना, किसी को भी पासवर्ड बताना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, सुरक्षा में कौन नहीं आता, तो सुरक्षा में यार पासवर्ड बता देंगे तो वो सुरक्षा कहाँ से है, ठीक है, अगर पासवर्ड बता ही दोगे, डिस्क्लोज ही कर दोगे उसे, तो फिर वो सुरक्षा कहाँ हो जाएगी, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेल्योर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। सफल लोग, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स, गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। क्वालिटी टूल में यार देखो, हिस्टोग्राम जो है उसका कार्य होता है इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का आकार बताना, किसका, वितरण का आकार बताना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने आपको सारे 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, डायरेक्टली ओरिजिनल जो था आपका क्वेश्चन पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, वो मैंने डिस्कस किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा है ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। और कौन सा आपको कंटेंट चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।